हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शालिनी और मैं हूं एक नेचुरोपैथ, एमडी इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल तरीकों से करता है। तो आज मैं लेकर के आई हूं बेसन। बेसन के आज हेल्थ बेनिफिट नहीं बता रही, मैं ब्यूटी बेनिफिट बता रही हूं कि 10 ब्यूटी बेनिफिट ऑफ बेसन चिकपी फ्लावर, जो कि आपके स्किन को स्पॉटलेस करता है, ओपन पोर से बचाता है, ब्लैमिशेस से बचाता है। तो किस तरह से आप सिर्फ बेसन में कुछ चीज़ें जोड़ करके अपने पिंपल से फाइट कर सकते हैं, एक्ने, ब्लैमिशेस, ब्लैक नेक, ब्लैक आर्म से फाइट कर सकते हैं। बट ये एप्लीकेशन है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई एप्लीकेशन की बात होती है तो जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि ये कितनी बार लगाना है, तो वो कम से कम हफ्ते में 3 बार होनी ही चाहिए अगर आपकी प्रॉब्लम बड़ी है तो। और अगर आपकी प्रॉब्लम नॉर्मल है, वैसे ही मेंटेनेंस के लिए चाहिए, तो वंस इन अ वीक बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा ग्लो चाहिए तो ट्वाइस, लेकिन मैक्सिमम 3 बार, 3 टाइम से ज़्यादा आपको बेसन यूज़ नहीं करना चाहिए, या कोई भी पैक या क्रीम ज़्यादा मेंटेनेंस के लिए जो एप्लीकेशंस होते हैं वो यूज नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चाहे वो जितना भी नेचुरल हो, रोज आप बेसन से नहीं नहा सकते, आपको चीजें चेंज करनी पड़ेगी, इंग्रेडिएंट चेंज करना पड़ेगा। मेरा वीडियो वर्ल्ड में सभी लोग देखते हैं, तो कई जगह बेसन नहीं अवेलेबल होता है। तो मैं आपको बता दूं, बेसन चने की दाल से बनती है। जो ब्लैक चना होता है उसकी जो दाल होती है, उसको अगर आप नॉर्मली ग्राइंडर में ग्राइंड कर दें, पावरफुल हो, वाइटामिक्स हो, इस तरह की कोई मिक्सी हो, तो आप जो लोग बाहर रहते हैं जिनको अवेलेबल नहीं हो सकता चिकपी फ्लावर, वो ये कर सकते हैं। अगर आपके मिक्सी में दम नहीं होता कि वो पाउडर बना सके, तो आप इसको सोक करके रख दीजिए 5-6 घंटे, उसके बाद पीस कर पेस्ट बना लीजिए, वो भी बहुत अच्छा काम करता है आपके फेस पर या बॉडी पे। पहला सॉल्यूशन है मेंटेनेंस का, जिसमें आपका फ्लॉलेस स्किन हो जाता है, अगर हल्की फुल्की स्पॉट्स है तो वो चली जाती है। उसके लिए आप लेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ बेसन, 1/4 टेबलस्पून ऑफ टर्मरिक, 1/4 टीस्पून ऑफ हनी और 10-20 ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस। इतना लेंगे, इसको मिक्स करेंगे, एक पेस्ट बनाएंगे थोड़ा सा वाटर ऐड करके, और उसको अप्लाई करना है अपने जो भी आपका डिजायरेबल एरिया है उसमें अप्लाई करिए, छोड़िए 10 मिनट्स कम से कम, छोड़िए कि वो अपना काम कर पाए। उसके बाद उसको रब करके हटा दीजिए, और उसके बाद उसको ठंडे पानी से मुंह धो लीजिए। और अगर आपका फेस ड्राई होता है तो ऐसे सिचुएशन में आप कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लीजिए। सेकेंड सॉल्यूशन, जिनका फेस ड्राई है वो 1 टेबलस्पून बेसन लेंगे एंड 1 टेबलस्पून कर्ड लेंगे, दही लेना है, और 10-20 ड्रॉप्स लेमन का लेंगे। उसको मिक्स करेंगे, अप्लाई करेंगे जो भी डिजायरेबल एरिया है जहाँ लगाना चाहते हैं, नेक पे, फेस पे, कहीं भी, और उसको थोड़ी देर रखेंगे, फिर कोल्ड वाटर से वॉश कर लेना है, और ऐसा हफ्ते में 3-4 बार कर सकते हैं। नेक्स्ट उपाय है, जिनको इचिंग होती है फेस पर, बहुत सारे स्किन रैशेस हो जाते हैं और इचिंग होती है और प्रॉब्लम होता है स्किन पे काफ़ी, तो ऐसे में ये मुलाठी का जड़ है, बहुत इजीली मिलेगा, लिकोराइज रूट बोलते हैं इसको, बॉईल कीजिए, इसका पानी निकालिए, उसको 1 टेबलस्पून बेसन में मिक्स कीजिए। उसके साथ साथ आपको मिलाना है चंदन पाउडर, जो चंदन का सैंडलवुड पाउडर होता है, वो 1/2 टीस्पून मिलाइए और उसका पेस्ट बनाइए, और वो आपको हफ्ते में 3 दिन लगाना है। और फिर वॉश करने के बाद आपको अपने फेस पे विटामिन सी सीरम लगानी है, जो कि मैंने पहले बताई थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, बिल्कुल देखिए। और ये मेंटेनेंस आपको करीबन 1 महीने तक करना है, और जो भी जिसको एक्जिमा बोलते हैं, ऐसे सिचुएशन में आपको ये बहुत राहत देगा। लेकिन आपका एक्जिमा बहुत ज़्यादा फैल गया है और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, पूरे बॉडी में प्रॉब्लम कर रहा है, ऐसे सिचुएशन में आपको यूज़ करना होगा आंवला पाउडर 1 टीस्पून, दालचीनी का पाउडर 1/4 टीस्पून, इसके अलावा आप लेंगे ये है चंदन पाउडर आपका 1/2 टीस्पून, हल्दी लेंगे 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून आप लेंगे लाल चंदन, ये बहुत ज़रूरी है 4 चीज़। आप इसको मिक्स करके, आप ये मैंने एक डोज बताया है, अगर आपको ये ज़्यादा बनाकर रखना तो इसी की क्वांटिटी में आप इंटू कर लेंगे, और उसको करीबन ये इसमें आपको 2 टेबलस्पून बेसन मिलाना है और उसको मिक्स करके रखिएगा। और इसको जिसमें मिक्स करना है वो लिकोराइज रूट होगा, लिकोराइज रूट को आप बॉईल करेंगे, 5 ग्राम लिकोराइज रूट आप 200 ml वाटर में बॉईल कीजिए, उसका जो पानी निकले उसको, उस पानी को आप बॉटल में भर के फ्रिज में रखिए, उसमें मिक्स करके ये पैक आपको प्रॉब्लम एरिया पे लगाना, चाहे वो आपके हाथ पैर में हो, नेक में हो, फेस पे हो। और एक्जिमा इससे बहुत जल्दी ठीक होता है, और मैं चाहूंगी जिनको भी एक्जिमा है बिल्कुल बिल्कुल वो मुझे 3 से 4 दिन में बताएं, इचिंग बहुत कम हो जाएगी।
जिनको फ्लॉलेस स्किन के साथ स्मूथ और ग्लोई स्किन की जरूरत होती है वो सोचते हैं कि ऐसा करना चाहिए, तो ये मिक्स कर करके कर सकते हैं आप। 1 टेबल स्पून बेसन, एक एग लेंगे, इसमें एग योक लेना है, वाइट सेपरेट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लेना है, नहीं मिले तो कैस्टर ऑयल ले सकते हैं, एलमंड ऑयल ले सकते हैं, कोई भी 1/2 टीस्पून लेना है। 1/2 टीस्पून हनी लेना है, हनी बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, मॉइस्चराइजिंग एजेंट है, बहुत अच्छा काम करता है स्किन के ऊपर। इसके अलावा आपको लेना है क्रीम, अगर क्रीम आपको मार्केट में नहीं मिलती है तो कच्चे दूध भी आप यूज कर सकते हैं, या उसकी मलाई निकाल कर फेंट कर आप उसको मिला लीजिए। उसका एक पेस्ट बनाना है आपको, पेस्ट बना करके फेस पे अप्लाई करना है, 10 मिनट्स के लिए छोड़ना है, और इसको लुकवॉर्म वाटर से धोना है। जितने भी मैंने अभी तक पैक बताए वो कोल्ड या नॉर्मल वाटर से बताए, पर जब भी ऑयली चीज कुछ लगाते हैं तो हल्का गुनगुना पानी होना चाहिए, उससे फेस वॉश कीजिए ताकि एक्स्ट्रा ऑयल फेस से हट जाए, और उसको रब करते हुए निकालिए ताकि जो भी डेड स्किन है वो भी बाहर आ जाए। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो आप मिक्स कर करके लगा सकते हैं, कभी ये फॉर्मूला कभी वो फॉर्मूला, ताकि आपका फेस का रिजल्ट बहुत अच्छा रहे। अब नॉर्मल सिर्फ डेड स्किन हटाना है तो उसके लिए एक बहुत सिंपल उपाय होता है, चने की दाल ले, चिकपी ले, उसको भिगो कर रख दे करीबन आप 4-5 घंटा, उसको आप दरदरा पीस लीजिए, मिक्सी में पूरा अच्छी तरह से नहीं पीसना है, थोड़ा सा दरदरा ग्रेनी हो, और उसको फेस पे अप्लाई कीजिए, करीबन 20 मिनट्स तक छोड़िए, और बस हाथ से रब कर कर हटा देना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी मिक्स नहीं करना है, सिंपली सिर्फ ये करना है और आपके डेड स्किन रिमूव हो जाएंगे। सिंपली बॉडी क्लीन करने के लिए आप 3-4 टीस्पून बेसन लेकर के सिंपली मिल्क में, कच्चा दूध होना चाहिए, बॉइल किया हुआ नहीं, नहीं तो उसमें से ऑयल सेपरेट हो जाता है, उसमें मिक्स करके उसका उससे आप रगड़ रगड़ के नहा सकते हैं। चाहे तो आपको अगर हल्दी से प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसमें टर्मरिक ऐड कर सकते हैं 1/4 टीस्पून। बचपन से हम ये सुनते हैं नॉर्मल मिल्क फेस को बहुत गोरा करता है, नेचुरल ब्लीच है, बट उससे भी ज्यादा असर आपके नारियल के दूध में होता है। आप कभी ट्राई करके देखिएगा, जिनको पिंपल है उनको भी इससे प्रॉब्लम नहीं आती है, अगर आप दूध निकाले नारियल का रात भर छोड़ दें, ऊपर की क्रीम सेपरेट करके हटा दें, और नीचे जो वाटर बचती है अगर उसका आप यूज करते हैं अपने फेशियल ट्रीटमेंट में तो बहुत अच्छा असर होता है और बहुत जल्दी उसकी बेनिफिट मिलती है। तो आज मैं वो नारियल के दूध के साथ भी बेसन का कॉम्बिनेशन आपको बता रही हूँ। जिनको पिंपल नहीं है, नॉर्मल फेस है और आप रंग गोरा करना चाहते हैं, तो विद इन 10 डेज आपके कॉम्प्लेक्शन में बहुत अच्छा असर पड़ेगा। घर में नारियल का दूध निकालिए, अगर रेसिपी इंटरनेट पर देख सकते हैं, नहीं तो मुझे बताइए, मैं बिल्कुल शेयर करूंगी उसकी रेसिपी। आपको नारियल का दूध लेना है करीबन 3-4 टीस्पून टेबलस्पून, और आपको लेना है बेसन 2 टेबलस्पून, इसको मिक्स कीजिए, उसमें 1/4 टीस्पून मुलाठी पाउडर मिलाना है, लिकोराइस का पाउडर, ये बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, इनटेक के लिए भी और आपके एप्लीकेशन के लिए भी। और बेसन ब्यूटी के लिए इसलिए अच्छा होता है क्योंकि ये इसके अंदर जिंक बहुत हाई मात्रा में होती है, तो जिसमें भी जिंक होगा वो ब्यूटी के लिए बहुत अच्छा होता है, चाहे आप उसको खा लो या लगा लो, दोनों ही कंडीशन में वो आपको बहुत फायदा करता है। ऐसे सिचुएशन में आपको अगर इंस्टेंट गोरापन चाहिए कि 10 दिन में मुझे और या 20 डेज में मुझे शादी में जाना और बहुत अच्छा लगना है और मेरे पास ड्राई पाउडर मिक्स होना चाहिए, तो मुलाठी अपने पाउडर में जरूर मिक्स कीजिए जो भी आप पैक बनाएंगे। तो ये बेसन और मुलाठी का पाउडर होगा, उसको जब आप पेस्ट बना रहे होंगे उस समय आप नारियल का दूध में मिक्स करेंगे, अप्लाई करिए फेस के ऊपर, 10-15 मिनट छोड़ना है और वॉश करना है हल्के लुकवॉर्म वाटर से, क्योंकि नारियल का भी दूध हल्का ऑयली होता है, तो आपका फेस देखिएगा कुछ दिन में ही बहुत अच्छा दिखने लगेगा। जिनको भी नॉर्मली एक्ने है, हल्की सी प्रॉब्लम है और ग्लो स्पॉटलेस वाइट स्किन चाहते हैं, उनके लिए लिकोराइज बिल्कुल ऐड करके आप अपने पास रखिए, जड़ भी रखिए, पाउडर भी रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इजीली आपको आयुर्वेदिक मार्केट में मिलेगा, तो आप बिल्कुल उसको लीजिए और उसका लिक्योर बनाना, जैसे मैंने टी आपको बताया है, टी बनाने के लिए उसको बॉइल कीजिए 200 ml में, और 100 ml का टी आप फ्रिज में हमेशा रखिए, जब भी यूज़ हो आप उसको बेसन या किसी भी पैक में मिला करके बहुत ईजिली लगा सकते हैं। तो यहाँ पर बात कर रही हूँ मैं बेसन की, तो यहाँ पर लेंगे बेसन 1-2 टेबलस्पून, ये प्रॉब्लम एरिया पर डिपेंड करता है कि आप कितना बेसन लेंगे, अगर आपको नेक में प्रॉब्लम है, अंडर आर्म में, थाइज में, या बॉडी के किसी और पार्ट में, तो आप उसके हिसाब से रेशियो चेंज कर लीजिएगा, बट फेस के लिए आपका 1.5 चम्मच बहुत होता है। बेसन लेंगे 1.5 टेबलस्पून बेसन, और यहाँ पर मैं फ्लेक्सीड यूज कर रही हूँ, फ्लेक्सीड में होता है ओमेगा 3, एप्लीकेशन के लिए बड़ा अच्छा होता है, बट कच्चा फ्लेक्सीड पीस कर यूज करना है, तो उसको आप ग्राइंडर में पाउडर बना लीजिएगा वो 1 टीस्पून, एंड यहाँ पर दही लेंगे हम
1 टेबल स्पून उसको मिक्स करना है और पतला घोल बनाना है, मतलब बहुत ज्यादा गाढ़ा ना हो और बहुत ज्यादा वाटरी भी ना हो। उसमें लिकोराइस आप 1 टीस्पून टी मिलाएंगे जो अभी मैंने बताया, उसको मिक्स करके आप लगाएंगे। फ्लैक्स सीड का काम होता है स्किन पे या हेयर पे बहुत अच्छी एक ऑयल का सप्लाई करता है, आपके जितने भी इन्फेक्शन है उससे भी फाइट करता है और रिपेयर बहुत जल्दी करता है। तो इनटेक भी अच्छी चीज है और एप्लीकेशन भी अच्छी चीज है, तो वो आप लगाइएगा और लगा करके आपको 15-20 मिनट्स रखना है और लुक वार्म वाटर से धोना है, तो एक्ने की प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा बड़ी हेल्प मिलती है। इसको जरूर ट्राई करके आप देखिए। बेसन ब्यूटी में ऐड ही इसलिए किया जाता है क्योंकि ये ड्राई पाउडर के अंदर काफी सारे मिनरल विटामिन्स एक्सपोजिंग एलिमेंट होते हैं जो कि बाहर भी होते हैं। जब आप खाते हैं तो शरीर को तो लगता ही है, बट वो एक्सपोज भी कर रहे होते हैं बाहर। जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके एक्सट्रैक्ट्स आपके स्किन के अपर लेयर को भी बहुत अच्छा बना देते हैं। अगर सिर्फ ड्राइनेस या पाउडर का केस होता तो आप कुछ भी लगा सकते थे, जितने भी पाउडर्स होते ग्रेन को पीस कर कुछ भी लगा लो, बट बेसन इसलिए स्पेशल है इसके अंदर हाई जिंक हाई कॉपर हाई मिनरल होती है जो एप्लीकेशन के टाइम भी आपको बहुत रिपेयर कर रहा होता है और मोस्टली आपको आपके फेस को या हेयर को बहुत कंडीशन करता है और ग्लो देता है और अपने हर पावर को वो एक्सटर्नली भी सप्लाई करने की बहुत एक्स्ट्रा कोशिश भी करता है। तो इसलिए ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि बेसन जो हो वो फ्रेश हो। बेसन पे मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे थम्स अप जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों को हेल्प मिल पाए, प्लेलिस्ट में ऐड करें ताकि बाद में आप इसको देख सकें, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर नहीं किया है तो फ्यूचर के अपलोड का अपडेट मिल पाए। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे किसी रेसिपी इन्फॉर्मेशन स्किन केयर या हेयर केयर के साथ, तब तक के लिए बाय।